अमिताभ जी, भाईचारा से बात उठी थी नहीं, मैं तो ये और नहीं समझ पा रहा भाई कौन है चारा कौन है। मैं बता रहा हूं, जी विद्वानों की सलाह रहती है, भाई कौन है चारा कौन है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया कि भाई बेचारा बन गया है। जो भाई था और दूसरों को चारा बनाता था, अब वो खुद बेचारा बन गया है, कम से कम यूपी में। आपके मूलभूत सिद्धांत पे आते हैं, ट्वीट कर दे, बुलावा दे दे, तो इस धरती का नियम आज से नहीं, पौराणिक काल से ये बोला जा रहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। आप बताइए, हरदोई के पास सबसे बड़ा वरद हस्त्र राजनीति का जिसको था, हिरण्यकश्यप, जिसको ब्रह्मा का वरदान था, किसी भी परिस्थिति में कोई नहीं मार सकता था, राम, रावण, रावण भी यही पैदा हुआ, कंस भी यही पैदा हुआ। भाई हर बार आपको बोला जा रहा है, कृष्ण ने शिशुपाल को 99 बार निमंत्रण दिया कि तुम अधर्म के रास्ते को त्याग करके न्याय के रास्ते पे आओ, राम ने रावण को निमंत्रण दिया, और अब की बार भी पुलिस ने, मीडिया में आके, योगी जी ने, सरकार ने, प्रबुद्ध लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, हम लोगों ने बोला, पिछले 45 दिनों से बोला जा रहा है, सरकार बनते ही बोला गया कि भाई आप सरेंडर कर दीजिए, धर्म और न्याय के रास्ते पे आइए। अतीक अहमद की बात एक मुझे याद आती है, उन्होंने अपने एक भाषण में, अतीक अहमद ने बोला था कि अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी, शोहरत दी, लाठी दी, और लाठी में ताकत भी दी। भाई धर्म कोई भी हो, भगवान, अल्लाह ताला कोई भी हो, आपको लाठी देता है, ताकत देता है, दौलत और शोहरत देता है, उसको पता चला कि आप गलत प्रयोग कर रहे हैं तो दूसरा रास्ता भी भगवान या अल्लाह ताला अपना लेता ठीक है। आदमी सर इसका जी, बिल्कुल उदाहरण है बिल्कुल इस बात से मैं भगवान सहमत हूँ शंकर ने जो दिया था जी भस्मासुर को, जी उससे वो, उसके लिए ठीक अभिशाप बन गया ठीक है मिश्रा भस्मासुर, जी, ठीक है सब कुछ ठीक सारे वरदान जी। अभिशाप बन गए। तो आप अभी एनकाउंटर हुआ 10:05 में, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं एक मिश्रा जी, और 10:06 पर चार नेता आ जाते हैं, बोले फर्जी एनकाउंटर हो गया। आप फर्जी कैसे सिद्ध कर रहे हो? जिन जिन लोगों ने विकास के एनकाउंटर को फर्जी बताया वो माफी मांगेंगे क्या? आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कमेटी ने उसको सही पाया, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई, वो माफी मांगेंगे क्या? उनमें इतनी नैतिकता बची है क्या? या अगले एनकाउंटर के लिए फिर बयान टाइप करा के रख लिया, बोले फर्जी है? आप कैसे जान गए फर्जी है मिश्रा जी? एक है मिश्रा, देखिए अमिताभ जी, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, आपके पास आएंगे, तर्क आपके पास दिया आएंगे तब बताइएगा। एक है मिश्रा जी, आपके आपकी सरकार नहीं है, आप अपने समय पे बोलिए, जी एक आपकी सरकार नहीं है, आप अपने समय पे बोलिए। जी जी अमिताभ मिश्रा जी, जी एक देखिए, मिनट, मैं एक आपको मिनट, 10 सेकेंड बताता हूँ, होगा मिश्रा जी, आप इतने मेरे भाई बात पूरा इतने राउंड है हैं, ना मिश्रा जी, भाई मैं इतने 10 सेकेंड सितारे हो गए अमिताभ हैं, जी, गलत बात जी, आ रहे आ अमिताभ रहे, मैंने आ रहे भैया आ रहे जी जी आप देखिए, ये बोल रहे हैं संविधान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जी सीआरपीसी, आईपीसी, मैं तो ज्ञाता नहीं हूं किसी भी देश के संविधान का, केवल भारत का नहीं। पहला मूलभूत सिद्धांत और बेस ये होता है कि अपने देश की नागरिकों की सुरक्षा करना और उनको सम्मान पूर्वक उनको जिंदगी बिताने का मौका देना, ये किसी भी देश के संविधान का होता है। उसमें शासन प्रशासन को अधिकार होते हैं कि किसी भी तरीके से, पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में, बल का प्रयोग करें, उचित मात्रा में, समय के अनुसार करें, यह संविधान की मूल अवधारणा है। जब देखो मिस इंटरप्रिटेशन, भाई चारा करके इतने कांड ये लोग कर रहे हैं, और जब भाई लोग बेचारा बन रहे हैं तो अभी भी ये लोग उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। अरे इसके आगे जांच होगी, होने दीजिए। मैं रोहित अग्रवाल जी को फिर से मैं बता देना चाहता हूं, ये भारत भूमि है, उत्तर प्रदेश भूमि है, यहां हिरण्यकश्यप, रावण, कंस जैसे बाहुबली नहीं बचे जिनको कि ब्रह्मा का वरद हस्त था। तो आप क्या किस राजतंत्र था क्या नहीं महाराज, कर रहे अभी हैं, लोकतंत्र है। कोई अपराधी अरे राजतंत्र था महाराज, अभी लोकतंत्र है, कहां कहां तर्क ठीक है देते मिश्रा हो? जी, पता एक नहीं, मिश्रा तर्क जी, तो सही मैं दिया रोहित करो अग्रवाल मिश्रा के पास जी, चलता हूँ, ठीक है मिश्रा जी, तर्क तो सही दिया करो भाई। 1.5 महीने, दो अब महीने सतयुग और त्रेता युग की बात आप यहाँ पे ठीक, करोगे? एक मिनट रुकना नहीं होगा, नहीं एक मिश्रा सतयुग और ठीक है, एक त्रेता युग मिश्रा की जी, बात तो एक मिश्रा मिनट जी रुकिए, यहाँ पे रोहित बात अग्रवाल करो। आप भी रुकिए, आपके लिए एक सवाल फ्रेम कर लूँ फिर बोलिएगा। मेरा प्रश्न ये, कृष्णानंद मारे गए तब मुझे ये ऐसा कुछ ध्यान नहीं आता कि किसी ने कहा हो कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, मानवता की हत्या हो गई। नहीं, कृष्णानंद मारे गए, उनके साथी की सिक्योरिटी, समा ममला जमला सब ध्वस्ती भूत हो गया। मिश्रा जी, असद भारत का लोकतंत्र है, असद भारत का संविधान है। अब बताओ कि इस पे हंसे कि रोए, सिर पटके, क्या करें?
नहीं अमिताभ जी, कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई थी, चलिए सारी बातें ठीक है, लेकिन उनकी जो शिखा थी उसको एज ए प्रमाण की तरह वो कटवा करके मंगवाया गया था। आप सोच सकते हैं कितना घृणित काम ये रहा होगा और किस मानसिकता से ये काम किया गया। मैं विपक्ष के लोगों से बोलना चाहता हूं जो ये चुनाव पे चुनाव हारते चले जा रहे हैं और इतने शक्ति माइंड के हैं, भारत सरकार के ऊपर, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सच्ची है कि नहीं है जी? आतंकवादी मरे, सच्ची है कि नहीं है? भारतीय सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों को ठोका, सच्ची है कि नहीं है? इनकाउंटर हुआ, सच्ची है कि नहीं है? अरे प्रभु, अपने नेता से अगर इतना शक करके इतना सवाल पूछ लेते ना तो शायद कुछ इंप्रूवमेंट हो जाता कि भाई आप क्यों हार रहे हैं, आप सरकार बना। अच्छा, पार्टी से भी निकलवा दो, ऐसी सलाह दे रहे हो, पार्टी से भी निकलवा दो करती है और चुनाव में ये चीजें, नेता सवाल पूछे पार्टी से भी निकलवा दो। और सच्चा होगा तो वो जीतेगा। बेहतर है कि अपने गिरेबान में झांक करके सच्चाई से सवालों को पूछिए, अपने से पूछिए, और हर वक्त भाईचारा को बचाने के लिए दूसरों को चारा मत बनाइए। आज अगर भाई बेचारा बन रहा है तो बनने दीजिए। क्या एके मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए अमिताभ जी, मैं सबको ये बोलूंगा, ये उत्तर प्रदेश की धरती है और पौराणिक काल से ब्रह्मा का वरद हस्त, ब्रह्मा जी की पुष्प पनाही जिन आतंकवादियों को, दुर्दांत अपराधियों को रही है, हिरण्यकश्यप, रावण वगैरह, उनका भी काम तमाम हो गया। तो बहुत ज्यादा किसी को यहाँ पे एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में जाइए, सरेंडर करिए, अच्छे तरीके से रहिए, जियो और जीने दो। विपक्ष को मैं ये बोलूंगा ना कि कौरव की सभा आप लोग मत बनिए, कि जहां पे न्याय की बात हो रही है, कुछ हो रहा है तो वहां पे मुंह लटका के बैठ जाइए और उल्टे सीधे तरीके से आप प्रेजेंट करते रहिए, बताते रहिए, बचाते रहिए। ठीक है, अन्याय जी, ठीक मिश्रा जी। रोहित जी हंसे थे, उन्होंने जब मिश्रा जी थोड़ा ज्यादा त्रेता तक चले गए, लेकिन सच बात है, रावण कौन है, कंस कौन है? यही लोग हैं आज के दौर के, आदमी की आदमियत को खा जाना चाहते हैं। अभी चार दिन पहले क्या कह रहा था, खबरें आई थी कि शाइस्ता ने फोन किया आतिक को कि इसका ना असद को इसमें नहीं फंसाना चाहिए था, तुमको नहीं उतार, तो बोला अरे पागल हो, शेर का बच्चा शेर जैसे काम करेगा।